हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपकी भी वेंजाइना से अधिक वाइट डिस्चार्ज निकलता है तो इसके क्या कारण होते हैं क्या लक्षण है और आप कौन से घरेलू नुस्खे अपना सकती हैं इसको ठीक करने के लिए वाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया से हर महिला कभी ना कभी परेशान होती है मुख्य रूप से यह समस्या पीरियड्स होने के कुछ दिनों पहले या बाद में होता है व्हाइट डिस्चार्ज योनि से निकलने वाला सफेद पदार्थ या पानी होता है बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होना या लगातार बने रहना आपको शारीरिक रूप से कमजोर बना सकता है कई बार योनि की साफ सफाई नहीं करने से भी यह समस्या होती है कई बार शारीरिक कमजोरी पोषक तत्वों की कमी भी इस रोग की वजह बनती है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके वाइट डिस्चार्ज के क्या कारण है अधिक तनाव बीमार पुरुष के साथ संबंध रखना बार बार गर्भपात होना किसी तरह के इन्फेक्शन होने के कारण भी यह समस्या होती है के क्या लक्षण होते हैं कमर दर्द होना चक्कर थकान कमजोरी महसूस करना प्राइवेट पार्ट से बदबू आना और खुजली की समस्या कब्ज सिर दर्द जैसे दिखते आना वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल होता है हर महिला को कभी ना कभी वाइट डिस्चार्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ता है कुछ स्थितियों में वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है और कुछ स्थितियों में यह आपकी खराब सेहत के कारण हो सकता है आइए जानते हैं कब और किन स्थितियों में नॉर्मल होता है है इस समय होती है शुरुआत। आमतौर पर गर्ल्स को वाइट डिस्चार्ज उनके पहले मासिक धर्म के बाद शुरू होता है फिर यह हर महीने पीरियड्स के पहले और बाद में हो तो सामान्य ही माना जाता है अगर इसके साथ कुछ परेशानियां ना जुड़ी हो तब ये काम करता है सफेद त्राव वाइट डिस्चार्ज प्राकृतिक तरीके से वंजाइना को साफ करता है यह कोर्स के दौरान चिकनाई प्रदान करता है और यौन संक्रमण रोकने में भी मदद करता है कभी अधिक कभी कम कई स्थितियों में वाइट डिस्चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है गर्भावस्था हारमोन्स में बदलाव या के कारण डिस्चार्ज की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है साथ ही इसके कलर में बदलाव होता है और इससे तेज स्मेल आ सकती है। कब सामान्य माना जाता है वाइट डिस्चार्ज अधिक महिलाओं को पीरियड सर्कल के दौरान कई प्रकार का वाइट डिस्चार्ज होता है सामान्य स्थिति में एक दिन में एक चम्मच के आसपास वाइट डिस्चार्ज होता है यह गाढ़ा या पतला हो सकता है इसका रंग सफेद हो और इसमें किसी तरह की स्मेल ना आ रही हो तो यह सामान्य है कई बार यह हल्के पीले रंग का भी हो सकता है यह डिस्चार्ज होता है नॉर्मल पीरियड की डेट से कुछ दिन पहले होने वाला व्हाइट डिस्चार्ज कोशिकाओं और द्रव से भरा होता है इसका रंग कभी-कभी हल्का पीला भी हो सकता है परंतु अगर इसके कारण आपको खुजली जलन या वजाइना में कोई और समस्या नहीं हो रही है तब तक यह सामान्य माना जाता है ऐसा डिस्चार्ज है ओव्यूलेशन का इशारा वाइट स्मेल फ्री और पतला या गाढ़ा वाइट डिस्चार्ज पीरियड्स आने का संकेत भी होता है अगर यह क्रीमी सफेद डिस्चार्ज खिंचा हुआ और मोटा होना शुरू हो जाए तो आमतौर पर यह इस बात का संकेत होता है कि आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो रहा है कैसे करें बचाओ वाइट डिस्चार्ज की समस्या से इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हेल्दी डाइट जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक नट्स और दालें आदि का सेवन करें खूब पानी पिए प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई पर ध्यान दें हल्के गुनगुने पानी से साफ करें कॉटन पैंटी पहनें खून की कमी भी जुलुकेरिया का कारण बनती है लेकोरिया से बचने के लिए आयरन से भरपूर चीजों का सेवन करें ताकि हीमोग्लोबिन का स्तर शरीर में कम ना हो कुछ घरेलू नुस्खे अजमाएं वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से जूझ रही महिलाएं रोजाना एक केला भुने हुए चने गुड़ के साथ खाएं। आप गुड़ चने का मिक्स पाउडर गर्म दूध और देसी घी मिलाकर खाएंगी तो इस समस्या से जड़ को खत्म कर पाएंगी एक गिलास दूध में गुड़ चने के दो चम्मच पाउडर को मिलाकर पिए रात को पानी में अंजीर भिगो कर रखे यह सुबह पानी में इसे पीस कर खाली पेट खाए जामुन की छाल का चूरन बनाकर दिन में तीन से चार बार पानी के साथ पीने से यह समस्या दूर हो जाएगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए बाय